हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन यूपीपीएससी चैट डिजिटल परीक्षा नीट में आज का मुख्य टॉपिक थ्री फेज मोटरों में लगने वाला स्टार्टर है। दोस्तों, स्टार्टर क्या है, स्टार्टर की आवश्यकता क्या है, स्टार्टर के प्रकार क्या हैं, कितने हाथ पावर तक का किस स्टार्टर का उपयोग करेंगे, आज की वीडियो का यही मुख्य टॉपिक है। दोस्तों, स्टार्टर क्या है सबसे पहले हम समझें। स्टार्टर यानी कि एक ऐसा साधन या एक ऐसी युक्ति जो मोटर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी रखती है। कहने का मतलब, स्टार्टर का मुख्य काम क्या है, मोटर को ओवरलोड की स्थिति में बचाना। यानी कि यदि मोटर में ओवरलोड हो रहा है तो स्टार्टर मोटर में सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगी और मोटर को सेव कर देगी। फिर दूसरी बात आती है, स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों, थ्री फेस मोटर की क्षमताएं उच्च होती हैं, इसलिए इनकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रखा जाता है। और अगर केबल से या पोल से आने वाला वोल्टेज डायरेक्ट उनकी वाइंडिंग में पहुंच जाएगा तो वहां हाई वोल्टेज क्या करेगा, उसके वाइंडिंग को या तो उसके इंसुलेशन को जला देगा, जिससे हमारी पूरी मोटर जल जाएगी। इसलिए हमारा बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए हम छोटा खर्च कर देते हैं और स्टार्टर खरीद लाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आई रूल ये कहता है, यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ये कहता है कि यदि आप विद्युत का उपयोग कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप इस तरीके से उपयोग करिए कि आपके बगल जो घर है वो डिस्टर्ब ना हो। कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप डायरेक्ट पोल से मोटर में सप्लाई दे देंगे और मोटर जैसे ही ऑन होगी तुरंत अन्य घरों की वोल्टेज बैठ जाएगी, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये चीज ना हो, इसीलिए आईई रूल बनाया गया। दोस्तों, तीसरा चीज आता है कि स्टार्टर के प्रकार। स्टार्टर मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है DOL स्टार्टर। अब स्टार्टर की बनावट इस हिसाब से की गई कि जिस क्षमता का मोटर होगा उस प्रकार का स्टार्टर लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोटी क्षमता के मोटर के लिए भी बड़ी क्षमता का स्टार्टर लगा दें तो हमारा लॉस ही होगा। तो इसलिए एक स्टार्टर हुआ DOL। और आईई रूल, एक चीज ये है कि आईई रूल कहता है कि आप एक हाथ पावर से छोटे मोटरों को आप स्विच से चला सकते हैं, पावर स्विच से, लेकिन एक हाथ पावर के ऊपर के मोटरों को चलाने के लिए आपको एक सुरक्षित युक्ति स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले DOL स्टार्टर आता है। DOL स्टार्टर का काम क्या होता है कि ये पांच हाथ पावर तक के मोटरों में उपयोग करते हैं। DOL इसका पूरा नाम अगर जानेंगे तो डायरेक्ट ऑन लाइन। डायरेक्ट ऑन लाइन का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो सप्लाई हमारे खंभे यानी कि पोल से हमें मिल रही है स्टार्टर क्या करे, उसमें वोल्टेज का बिना कोई परिवर्तन किए डायरेक्ट पोल से मिलने वाली वोल्टेज को मोटर में दे दे, इसलिए इसे हम DOL स्टार्टर कहते हैं। DOL स्टार्टर अधिकतम पांच हाथ पावर तक के लिए बनाए जाते हैं और DOL स्टार्टर में तीन OLC लगी होती है। देखिए, स्टार्टर जितने भी हों, पांच के पांचों प्रकार के स्टार्टरों में OLC की संख्या तीन ही रहनी है। क्यों? क्योंकि हर एक फेज पे एक OLC लगती है, ओवरलोड कॉइल। OLC का पूरा नाम क्या होगा, ओवरलोड कॉइल। क्योंकि स्टार्टर का मुख्य काम यही है कि मोटर को अतिभार से बचाना, मोटर को ओवरलोड से बचाना। तो यहां पे तीन OLC लगेगी, हर एक स्टार्टर में आपके तीन OLC लगनी है और एक NVC लगी होती है। NVC क्या होती है, नो वोल्ट कॉइल, जो मोटर की सप्लाई ऑन होने के बाद एक मैग्नेट बनाती है और एक प्लंजर को चिपकाए रहती है, जो सप्लाई जाती है तो छोड़ देती है, पुनः आती है तो पुनः चिपका लेती है, उसी को कहते हैं नो वोल्ट कॉइल। फिर आता है इसमें पॉइंट क्या होते हैं, तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, दो पॉइंट होते हैं,
एक पॉइंट होता है आन का जो हरे बटन द्वारा होती है और एक पॉइंट होता है आपका जो लाल बटन द्वारा होती है। फिर इसमें यहाँ पर लिखा गया वोल्टेज को बदलता नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि ड्यूल स्टार्टर जो सप्लाई हमें खंभे से मिलती है उसी सप्लाई को बिना किसी परिवर्तन के सीधा मोटर में देता है, इसी आधार पे इसीलिए इसका नाम DOL रखा जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन। दूसरा स्टार्टर आता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, ये 5 हाथ पावर से 20 हाथ पावर तक के मोटरों में चलाते हैं। अब देखिए मोटर की क्षमता बढ़ गई 5 हाथ पावर से 20 हाथ पावर तक हो गई, तो जब मोटर की क्षमता बढ़ गई तो उसको दी जाने वाली सप्लाई अब हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट देंगे और किसी कारणवश मोटर का इंसुलेशन जला या वाइंडिंग जली तो हमें ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पे एक ऐसा स्टार्टर लगाएंगे जो वोल्टेज को कंट्रोल करके पुनः उसको क्या करे मोटर में दे। तो इसलिए यहाँ पे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की विशेषता क्या है, आप ट्रांसफार्मर लेसन में पढ़ चुके हो या एसी सर्किट में पढ़ चुके हो कि स्टार कनेक्शन में करंट तो स्थिर होता है लेकिन वोल्टेज मूल वोल्टेज का 1/3 भाग हो जाता है, यानी कि वोल्टेज कम हो जाता है और हमें वही चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, मोटर थ्री फेज हमारा जो थ्री फेज का कनेक्शन होता है उसको हम स्टार करते हैं, वोल्टेज डाउन हो गई कितना 1/3 गुना। अब मोटर में सप्लाई दे दिए, अब मोटर में जब सप्लाई दे दिए वोल्टेज हो गई कम, तो वहां पे जो हमें चाहिए स्टार्टिंग के समय हमें करंट चाहिए, जब भी कोई भी मोटर या कोई भी बल्ब स्टार्टिंग में ज्यादा लेता है, अगर हम टार्क की बात करें तो स्टार्टिंग टार्क ज्यादा होता है, तो उस समय वो कितना लेता है अपने स्टार्टिंग करंट का 2 से 2.5 गुना लेता है, तो यहाँ पे हमें करंट भी मिल जाती है। तो इस हिसाब से हमारा मोटर क्या होता है स्टार में 1/3 वोल्टेज लेता है और 2 से 2.5 गुना करंट लेकर आराम से मंद मंद गति से चलना शुरू करता है। जब ये अवस्था 75% पर प्राप्त हो जाती है, यानी कि ये अपना 75% अवस्था पर प्राप्त हो जाती है और तब तक मोटर के अंदर एक अच्छा चुंबक बन चुका होता है, प्रबल चुंबक बन चुका होता है, तुरंत ही हम क्या करते हैं, ये हमारा स्टार्टर का लोकेशन है, हमने क्या किया था आप किया था फिर उसको क्या किया स्टार्ट में किया था, यानी कि मोटर को स्टार्ट किए थे, स्टार्ट में मोटर धीरे धीरे चल रही थी, इसको हम ऐसे दबाए रहे कितनी देर 10 से 12 सेकंड इसको हम दबाए रहे, मोटर चलती रही। इसके बाद जैसे ही अपनी 75% गति को प्राप्त किया हम क्या किए इसको उठा के ऊपर कर दिए, ये हो गया। अब डेल्टा में जब डेल्टा कनेक्शन आता है तो डेल्टा में वोल्टेज फुल होता है, यानी कि वोल्टेज बराबर होता है, करंट कम होती है, तो जब डेल्टा में चलता है तो वोल्टेज फुल मिलने लगती है। और आप जानते हैं कि किसी भी मोटर की चाल उसके वोल्टेज पर निर्भर करती है, अगर वोल्टेज हमारा फुल मिल रहा है तो हमारा मोटर फुल स्पीड चलेगा, वोल्टेज लो मिल रही है तो स्पीड कम होगी। तो ये क्या होता है, जब फुल वोल्टेज मिलने लगता है तो हमारी मोटर फुल स्पीड से चलना शुरू कर देती है और वहां उस समय करंट भी थोड़ा कम हो चुकी होती है। अब इसके बारे में आते हैं, ये तो इसका वर्किंग था, अब इसके बारे में आते हैं। तो इसमें आप हम पहले बता चुके हैं कि इसमें 3 OLC लगती है, हर एक फेज पे, एक फेज आर पे OLC, वाई पे OLC और बी पे OLC, ए सब में लगना है। इसके बाद एक LVC लगी होती है, 1 नो वोल्ट क्वाइल लगी होती है। इसमें तीन पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि मोटर में सप्लाई स्टार्टर में है लेकिन मोटर चालू नहीं है, यानी कि आप स्थिति ये बीच में होती है। देखिए तीन पॉइंट यहाँ बनाए गए हैं, तीन पॉइंट में क्या है, सबसे पहली स्थिति होती है आप पॉइंट, आप पॉइंट के ऊपर ही यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है, क्या करेंगे मोटर आप है तो पहले स्टार्ट करेंगे, तो पहले लेके आते हैं उसे स्टार कनेक्शन में, यानी कि स्टार पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट। फिर क्या करते हैं, जब गति प्राप्त कर लेती है तो उसको उठा के रन पॉइंट यानी कि 3 पे लगाते हैं। तो इस प्रकार से मोटर में 3 पॉइंट होते हैं और एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट पे 3 टर्मिनल होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं और एक पॉइंट पे 3 टर्मिनल, इस हिसाब से इसमें 9 टर्मिनल होते हैं, 9 टर्मिनल होते हैं। इस तरीके से हमारा मोटर चलता है। अच्छा अब बात आती है क्या,
ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा की। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा और स्टार डेल्टा में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है कि स्टार डेल्टा में हमें मैनुअली खड़ी होकर सब करना होता है, ऑटोमेटिक में क्या होता है कि वहां पर एक लिमिट स्विच या टाइमर स्विच लगा होता है, वो क्या करती है वो तो निर्धारित समय पर 75% गति प्राप्त करने पर उसे स्वतः स्टार स्वतः डेल्टा स्वतः आप कर लेती है, और इसमें इस स्थिति को वो स्वतः करता रहे इसके लिए एक परिवर्तन होता है, सिर्फ उसकी पूरी संरचना में एक परिवर्तन होता है कि सभी मोटरों सभी स्टार्टरों में एक एनबीसी लगती है जबकि ऑटोमेटिक स्टार्टर में 3 NBC लगा देते हैं। देखिए ऑटोमेटिक स्टार्टर में यहाँ पे देखिए 3 NBC लगा देते हैं, सिर्फ एक अंतर इतना है कि ये भी 5 हाथ पावर से 20 हाथ पावर पे काम करेगी, इसमें सिर्फ एक अंतर ये होगा कि ये 3 NBC लगेगी और इसमें एक लिमिट स्विच होगी जो क्या करेगी 3 से 10 सेकंड के बाद मोटर को स्टार्ट मोटर को रन करा देगी। अच्छा अगला क्या आता है यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या करता है कि जब हमारे पास ऐसा मोटर हो जिसकी क्षमता 20 हाथ पावर से ऊपर की हो, क्योंकि देखिए क्राइटेरिया 2 हाथ पावर से 5 हाथ पावर तक ड्यूल चलाएगा, 5 हाथ पावर से 20 हाथ पावर तक स्टार डेल्टा या ऑटोमेटिक स्टार्टर चलाएगा, 20 हाथ पावर से ऊपर के मोटरों को चलाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या होता है इसकी संरचना समझ लीजिए, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एक 3-फेज ऑटो ट्रांसफार्मर लेते हैं और जैसे ही हम सिंगल फेज स्टेबलाइजर होता है सेम ऐसे ही काम करता है, जैसे हमारे पास हमारे घरों में स्टेबलाइजर होता है, टीवी को चलाना होता है वोल्टेज कम आ रही है तो हम क्या करते हैं स्टेबलाइजर की रोटरी को घुमाते हैं स्विचों को घुमाते हैं वोल्टेज बढ़ जाता है और हमारी टीवी चलने लगती है, फिर वोल्टेज ज्यादा आ गया तो क्या करते हैं स्टेबलाइजर की रोटरी को घटा देते हैं और हमारा वोल्टेज कम होता है टीवी हमारी चल लेती है। सेम वैसे यहाँ पे है मोटर को चलाना है तो पहले हमें लो वोल्टेज चाहिए तो क्या करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जो स्टेपिंग्स निकली होती है वहां पे रोटरी लगी होती है उस रोटरी क्या करते हैं घुमा के कम कर देंगे। अच्छा मोटर हमारी चलने लगी, जब मोटर हमारी 70 से 75% स्पीड प्राप्त कर लेगी तो पुनः उसको हाई वोल्टेज की आवश्यकता होगी, तब क्या करेंगे पुनः हम जाके उस रोटरी को बढ़ा देंगे, जैसे ही हम रोटरी को बढ़ाएंगे ये मोटर अपनी गति पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा पांचवा आता है स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर देखिए ये एक अलग प्रकार का मोटर ही होता है, ये अलग प्रकार के मोटर पे चलता है क्योंकि ये सिर्फ स्लिप रिंग मोटर पे चलता है इसलिए इसका नाम ही स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर रखा गया है। इसमें भी संरचना सब सेम ही होती है, इसमें सिर्फ अंतर क्या होता है कि इसमें 3 OLC लगी होती है और 1 NBC यानी कि एकदम एक DOL स्टार्टर जैसा होता है, सिर्फ इसकी वाइंडिंग को हम डेल्टा में कर लेते हैं, यानी कि स्लिपरिंग मोटर का स्टार्टर जो होता है वो मोटर की वाइंडिंग को डेल्टा में कर लेगा और उसके बाद स्टार्टर के अंदर एक DOL स्टार्टर लगा देगा और उसको कवर कर देगा और उसका नाम हो जाएगा स्लिपरिंग स्टार्टर मोटर, यानी कि सेम संरचना DOL जैसी ही होने वाली है, सिर्फ उसकी वाइंडिंग में परिवर्तन क्या करते हैं उसकी वाइंडिंग को डेल्टा में जोड़े रहते हैं, इस तरीके से हमारे ये मोटर चलते हैं। ये टॉपिक ये वीडियो जो है UPPCL DG2 की आने वाली परीक्षाएं या UPRNL की जो चलने वाली परीक्षाएं हैं या जो DRDO टेक्नीशियन आने वाला है इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो मतलब मशीन जो होती है इलेक्ट्रिकल मशीन सबसे ज्यादा उठाई जा रही है आजकल। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद वंदे मातरम।